सर्दियों में हम काफी परेशान होते हैं ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन से छुटकारा पाने के लिए हम कई तरीके के मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन और ऑयल का यूज करते हैं। ये मॉइस्चराइजर महंगे तो होते ही हैं, साथ ही इन्हें लगाने के बाद हमारी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगने लगती है। बट होता क्या है, थोड़ी देर बाद हमारी स्किन वापस से ड्राई हो जाती है। जब भी इचिंग होती है तो वो स्किन पे जो ड्राई ड्राई सी लाइंस बन जाती है ना, वो बहुत ही देखने में बेकार लगती है। ये लोशन जो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है आपकी डल जाए और बेजान स्किन के लिए। एक बार आप ये मॉइस्चराइजर यूज करेंगे ना, तो आप भूल ही जाएंगे कि ड्राई स्किन होती कैसी है आखिर। इस मॉइस्चराइजर को बनाना बहुत इजी है और ये बहुत ही जल्दी बन भी जाता है और बहुत ही सस्ता पड़ता है। इसमें हम कौन कौन सी चीजें यूज करने वाले हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सी चीज कैसे वर्क करेगी, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं कि इस मॉइस्चराइजर को कैसे बनाया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, आई एम किरण। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। सर्दियों के मौसम में ये चलने वाली सर्द हवाएं हमारी स्किन को डल, ड्राई और बेजान बना देती हैं और हमारी स्किन अपना मॉइस्चर खो देती है। तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम घर पर बने ये मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर बना ये मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को ड्राइनेस से दूर रखेगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा। तो आइए जानते हैं कि इस मॉइस्चराइजर को घर पर हम कैसे बनाएं। सबसे पहले हम जिन भी बर्तनों का यूज करेंगे इस लोशन को बनाने के लिए, जैसे कि कटोरी, चम्मच, प्लेट, लोशन को स्टोर करने के लिए कंटेनर, उन सारी चीजों को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। क्योंकि हम एक रेमेडी बना रहे हैं तो आपके बर्तन क्लीन होने चाहिए, एकदम हाइजीनिक होने चाहिए। सबसे पहले एक क्लीन बाउल ले लीजिए, उसके अंदर किसी भी कंपनी का 4 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लीजिए। अगर आपके पास प्लांट वाला एलोवेरा जेल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा का प्लांट स्किन को साफ और सुंदर बनाता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक गुण भी पाए जाते हैं। इसके अनियमित फायदे होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स को बहुत ही जल्दी दूर कर देता है। इस मॉइस्चराइजर को आप नहाने के बाद अपने फेस पे, हाथों में, पैरों में, पूरी बॉडी में लगा लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चों की स्किन होती है ना, एकदम सॉफ्ट, स्मूथ, एकदम मुलायम सी, वैसी ही हो जाएगी। अब हम इसमें सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है, स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसे लगाने से चेहरे की झुर्रियां, फाइन लाइंस, एक्ने कम हो जाती हैं, स्किन की ड्राइनेस को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो इसमें हम 2 टेबल स्पून ग्लिसरीन ऐड करेंगे। थर्ड इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये एक मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है। ये स्किन की नमी को लॉक करके हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड हमारे स्किन से ड्राइनेस को कम करने में हेल्प करते हैं। ये स्किन से दाग धब्बे, पिगमेंटेशन और टैनिंग को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। साथ ही स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाता है। तो इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसमें बादाम का ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें नारियल का तेल बिल्कुल भी ना डालें क्योंकि ठंडियों का टाइम है और ये जम जाएगा। फोर्थ इंग्रेडिएंट है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान से बचाता है, स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है और हमारी स्किन को ड्राई होने से भी बचाता है। इस मिक्सचर में 3 से 4 कैप्सूल डाल दीजिए। ये कैप्सूल आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगी। अब इसे अच्छे से चम्मच से मिक्स कीजिए। आपको इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्सचर आपको पहले ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, जब आपने इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। जो मॉइस्चराइजर आप मार्केट से परचेज करते हैं ना, वैसा ही आपको एकदम दिखने लगेगा। अब आप इसे मॉइस्चराइजर कह लीजिए या फिर लोशन, ये तैयार हो गया है। आप इसे जिस भी कंटेनर में स्टोर करेंगे उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए, फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर लीजिए। सुबह नहाने के बाद आप इसे अपने फेस पे, हाथों में, पैरों में, पूरी बॉडी में लगा लीजिए। पूरे दिन की ड्राइनेस की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। आप इसे एक बार यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप इसे बार बार बनाकर यूज करेंगे। आप इसे काफी दिनों तक यूज भी कर सकते हैं, ये खराब भी नहीं होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।